नेक्स्ट आगे हम लोग अभी जस्ट पढ़े पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी ये दोनों भी नॉन कंटैक्ट फोर्स है, और ये जो हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरमोलेकुलर और न्यूक्लियर फोर्स ये भी नॉन कंटैक्ट है। अब सुनिए, इंटरमोलेकुलर फोर्स जितने भी सब्सटेंस है चाहे वो सॉलिड हो और फिर लिक्विड हो और फिर वो गैस हो, सॉलिड हो लिक्विड हो और गैस हो, ये सभी अगर आप सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, तीन स्टेट होता है। 9 में पढ़ेंगे 5 स्टेट्स है, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और एक और है बीईसी। हालांकि फिलहाल इस तीन के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जितने भी सब्सटेंस है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और सभी पार्टिकल एक दूसरे से फोर्स से बंधा हुआ है, फोर्स से अटैच्ड है। अगर सॉलिड है तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बंधा हुआ है, और उन दोनों मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से। अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होंगे उनके बीच भी एक फोर्स होगा, और जो गैस है उनके बीच भी, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच भी एक फोर्स होगा। दैट मींस जितने भी सब्सटेंस होंगे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स का नाम इंटरमोलेक्युलर, मॉलिक्यूल के बीच इंटरमोलेक्युलर फोर्स, द फोर्स बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमोलेक्युलर फोर्स। या सॉलिड है लिक्विड है गैस है, एक बार मैंने इस बात पे डिस्कस किया कि सॉलिड सॉलिड क्यों है, सॉलिड सॉलिड स्टेट में क्यों है, लिक्विड फ्लो क्यों करता है, लिक्विड स्टेट में क्यों है, गैस और अच्छे तरीके से फ्लो करता है, क्यों करता है, ऐसा क्यों गैस गैसियस स्टेट में क्यों है। अब आप सुनिए कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स है, यहां पर ध्यान दें, ये जो फोर्स है ये वेरी स्ट्रॉन्ग है। यानी कहने का मतलब है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच या पार्टिकल्स के बीच जो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को इतना कसकर बंधा हुआ है, इतना टाइटली बंधा हुआ है, एक दूसरे को दूर जाने नहीं देता, इसलिए इसका शेप फिक्स होता है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी सॉलिड में नहीं होता है, इसलिए सॉलिड स्टेट में। लेकिन लिक्विड स्टेट में जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच, पार्टिकल्स के बीच फोर्स है वीक है, थोड़ा वीक है, ये वीक है थोड़ा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींचकर थोड़ा दूर ले जा सकता है। अब इतना भी वीक नहीं होता है कि सरफेस को छोड़कर उड़ जाए, ये भी एक बात है। तो कहने का मतलब वीक है थोड़ा सा, इस वजह से क्या हुआ कि ये एक दूसरे को खींचकर ले जाना चाहता है लेकिन उतना अच्छे तरीके से भी नहीं, और ले जाना चाहता है, इसलिए लिक्विड फ्लो करने का प्रॉपर्टी होता है, इससे वीक हो गया। और जहां तक गैस का सवाल है, गैस के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स होता है वो वेरी वीक होता है, इतना वीक होता है कि एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को छोड़कर भी उड़ जाता है, इसलिए गैस गैसेस स्टेट में है। अर्थात अभी हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं, 9 में जाएंगे तो सॉलिड लिक्विड गैस पर एक चैप्टर बना पड़ा है, इसलिए आप टेंशन नहीं लेंगे, 9 में जाएंगे तो ग्रेविटेशन का यहाँ पर तो टॉपिक पढ़े, वहां चैप्टर है। लेकिन फिलहाल किसी भी सब्सटेंस चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, उनके दो पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स होता है जिसका नाम इंटरमोलेक्युलर फोर्स है। अगर आगे बढ़े न्यूक्लियर फोर्स, अब न्यूक्लियर फोर्स को समझाने के लिए एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा बताना पड़ेगा। जो एटम का फॉर्मेशन होता है, कृपया ध्यान दें, एटम का जो फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कंसिस्ट्स पॉजिटिव चार्ज, बट न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये सब आप जानते होंगे या नहीं तो समझिए। और एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटरमोस्ट सेल में होगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होगा। ये हम क्या बोल रहे हैं, एटम का स्ट्रक्चर सुनिएगा,
ये न्यूक्लियस जो बहुत छोटा होता है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाया गया, इसी में होता है प्रोटॉन पी प्लस और न्यूट्रॉन एन। और ये आउटर ऑर्बिट है, बाहर वाला ऑर्बिट मतलब कक्षा होता है, पथ होता है, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इस तरीके से जिस तरीके से सेंटर पे सन सभी प्लैनेट चक्कर काट रहा है सन का, उसी तरीके से न्यूक्लियस और सभी इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इस तरीके से 4 हुआ 5 6 7 8। और इस तरीके से और भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपना मन है थर्ड में देने का, कौन सा एटम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एटम एटम पे डिपेंड करता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा। ये बात तो तय है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मींस वी कैन से नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन एन एटम। और आप न्यूक्लियस में देखिए कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आप इस एटम को कहेंगे कुछ चाहिए हमको, वो कहेगा कि बाहर में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो ले जा सकते हैं, या बाहर में इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं, और अंदर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन छीनना बहुत मुश्किल है। अगर इलेक्ट्रॉन लेना भी है देना भी है तो आउटर मोस्ट शेल में आप दे सकते हैं या ले सकते हैं यहां से। और जहां तक सवाल न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसको तो हिलाना बहुत मुश्किल है, उसको न्यूक्लियस से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इस दोनों के बीच एक फोर्स है, जिस फोर्स का नाम NuClear, न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स जो किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एग्जर्टेड हो रहा है, वो आपका न्यूक्लियर फोर्स है। इसे लिखा गया है द फोर्स एग्जर्टेड बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए और ये न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है न्यूक्लियस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालना किसी के बस की बात नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। यानी सबसे स्ट्रांग फोर्स अगर कहा जाए इतने पार्ट्स में तो न्यूक्लियर ही है, सबसे वीक फोर्स अगर कहा जाए तो ग्रेविटेशन था, जो कि बहुत वीक था और वीक था नहीं है भी, और ये न्यूक्लियर सबसे स्ट्रांग फोर्स है। इस तरीके से हम लोग फोर्स का जितना भी टाइप्स है डेफिनेशन के साथ उसका आया, एक्सप्लेनेशन आया, और अच्छे तरीके से फोर्स के सभी टाइप्स का डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ आप उसका जो भी है रिवाइज करते रहेंगे और उसको जरूर याद करेंगे। और ऐसा नहीं कि टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक टॉपिक टाइप्स कंप्लीट हुआ, चैप्टर अभी और आगे बाकी है, इसलिए आप उसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू।